कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता आर पी सिंह। हम आज ग्रुप पर्व है, ग्रुप पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, नारायण जी का सबसे बड़ा संदेश था भाईचारे। नारायण जी का सबसे बड़ा संदेश था जाति वास्तविक वोट। तो मैं चाहूँगा ये संदेश देश में भी जाए, जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग सामाजिक जीवन में, उनको भी ये संदेश जाए कि देश को, समाज को जातियों में मत मारो। देश को अपने आपस के प्रतिद्वंद्व से मत मानो, खराबी मत करो। तो ये संदेश जाए गुरु नानक देव जी का, अच्छा लगेगा। आज लोग ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, आज लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो इससे हटकर एक होकर पूरे देश की बात करें तो अच्छा लगेगा। कल कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला आया है कॉरिडोर को लेकर, जो इंटरनेशनल रोड तक जाएगा और पाकिस्तान की साइड से खुलेगा गुरुद्वारा की, उसमें आपके क्या कहना? आपने सिर्फ एक फैसला देखा तो कॉरिडोर का है, उसके साथ कई सारे फैसले और भी हैं। तो सुल्तानपुर लोधी एक शहर, पूरा एक शहर है जिसको और अच्छा करा जाए, इसकी चिंता करते हैं। वो गुरु ग्रंथ साहब दुनिया भर की भाषाओं में छपे, उसकी जानकारी दुनिया को जाए, वो ऐसी अपील यूनेस्को से कर रहे हैं। वो गुरु नानक देव जी के गुरुपुर के चलते हुए उनके लिए कुछ नए नए और आयाम हो, नई नई चेयर्स बने, उन पर रिसर्च हो, उसकी चिंता कर रहे हैं। और यही नहीं, अभी आज से हफ्ता भर पहले नांदेड़ साहब के लिए एक हवाई यात्रा शुरू करी, वो अपने बड़ा कदम था। और आज से कुछ दिन पहले, अभी पिछले दो तीन दिन पहले ही SIT के अंतर्गत दो लोगों को सजा हुई, ये भी अपने आप में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक बड़ा स्टेप था। तो ये लगातार निरंतर इस प्रकार के काम हो रहे हैं। गुरु पद की खबर पहले इतना बड़ा फैसला जो आया, क्या वो काफ़ी है? क्योंकि जहाँ हजारों लोग मारे गए हैं, वहाँ सिर्फ दो लोग की फांसी हुई है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं अभी भी बाहर हैं। वो शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये 34 साल से मामले दबाए गए थे, ये मामला आज 1995 में बंद कर दिया गया था, ये वापस से खोल कर इसमें सजा हुई है। और सुनिश्चित समझिए, जो लोग बड़े लोग हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, वो सचिन हो, ट्रैक्टर हो, गवर्नर हो, सबके खिलाफ ऐसे ही फैसले आएंगे। अभी जो चुनाव जो है पाँच राज्यों में, उस राज्यों के परिणाम जो आएंगे क्या होंगे? सुनिश्चित आपको दिखेगा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर है पूरी पूरी। और आपको पाँच राज्यों में कितने राज्यों आते हैं? हम बिल्कुल तीनों राज्यों में तो सुनिश्चित जीत रहे हैं, उसमें कोई इसमें है नहीं। और आपको बड़ा मैसेज मिलेगा उसमें, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, हम इसमें सुनिश्चित दो राज्यों पर डाउट क्योंकि वहाँ पर हमारी उतनी वहाँ अभी काम शुरू हुआ है। तेलंगाना में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जगह चुनाव, पर जो हम अभी यहाँ पर इन तीन राज्यों की हमारी सरकार थी और वापस हम वहाँ पर हमको लोग हमारे जो हमारे तीन राज्यों में काम की सरकारों ने उनकी सेवाओं के आधार पर बाकी वापस से मौका मिलेगा सेवा करने का। CP जोशी का बहुत बड़ा बयान आया है कि हम लोग को ही सब कुछ होना चाहिए, ये लोग जिस जाति से आते हैं, अमित शाह और मोदी, आपको पता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, CP जोशी पढ़े लिखे अज्ञानी है, शायद उन्होंने डिग्री विग्री ज़्यादा लिखी, पर जो अज्ञानी है उनको शायद जानकारी नहीं है नामदेव जी कौन थे, रविदास जी कौन थे, वाल्मीकि जी कौन थे, रामानंद जी कौन थे, जरा उनको थोड़ा जानकारी पूरी करें, देश के इतिहास की जानकारी पूरी करें, देश के संतों की जानकारी पूरी करें। ये जो हर बात पे जाति रहते हैं, यही तो संदेश है नानक का कि हम जातियों में मत बांटे देश, हम देश को एक साथ एक मुठ रख कर बात करें तो बात बनेगी। और CP जोशी साहब से निवेदन करूँगा, कृपा कर थोड़ा इतिहास पढ़ लें, थोड़ी अपने देश की जो जानकारियाँ पूरी करें। राहुल गांधी का आरोप है कि जो बीमा है, किसान बीमा योजना है, वो पूरी तरह से फ्लॉप कर गया, कुछ प्राइवेट कंपनियाँ 236 करोड़ दिया लूट खा गई और अभी तो कुछ नहीं मिला, उस पर क्या करना? दिक्कत है कि राहुल गांधी लगातार कुछ ना कुछ आक्षेप लगाते रहते हैं, परंतु जब उनसे बोलो कोई सबूत दो तो उनका उसका सबूत होता नहीं, वो तो आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री की बात करते हैं। यहाँ तो चिंता हो रही है,